तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ली और बाकी लोगों को एक टेस्ट के लिए खास टावर के पास लेकर आया जाता है। तो इस टावर में खास बात यह है कि इसे वहां के पहले डीन ने बनाया था, और हमें पता चलता है कि असल में ली के पास जो अंगूठी है उसके अंदर डीन की स्प्रिट है। अब यहाँ पर था ये कि इन्हें इस टावर के थर्ड फ्लोर को पार करना था जिससे टेस्ट में पास हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने ये फोर्थ फ्लोर तक अपना नाम लिखवाया था, और फ्लेम लॉर्ड फिफ्थ फ्लोर पर भी पहुंच गया था, और अब वो ली से चैलेंज लगा रहा था कि देखते हैं तो फिफ्थ फ्लोर पर पहुँच पाते हो कि नहीं। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है इसी के आगे से। हम देख चुके थे कि ली अभी भी आगे बढ़ चुका है और उसने पहले फ्लोर को बहुत ही ज्यादा आसानी से पार कर लिया था, लेकिन दूसरे फ्लोर पर आकर वो रुक गया था। इसके बाद अब वो हम बाहर आ चुके थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग इस वक्त यही देख रहे थे कि ली सेकेंड फ्लोर पर जाकर रुका है, और यहाँ वो फ्लेम लॉर्ड का साथी अभी कह रहा था कि ली सेकेंड फ्लोर पर आकर रुक गया है। लगता है उसे यही पर से दिक्कत होने लगी। वो कह रहा था कि शायद ली सब बड़ी बड़ी बातें ही कर रहा है, लेकिन फ्लेम लॉर्ड ये बात जानता था कि ली इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। वो कहता है कि हमने उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसके हिसाब से थर्ड फ्लोर को पार करना ली के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। दूसरी तरफ जू कह रही थी कि इसके हिसाब से ली फोर्थ फ्लोर तक बहुत आसानी से पहुंच पाएगा। यहाँ पर चेन तो कह रहा था कि बस उसे कुछ ना हो, भले ही वो सेकेंड फ्लोर से ही क्यों ना लौट आए। मगर तभी लूना उसे मारते हुए कहती है कि तुम उसके दोस्त हो, ये कहो कि वो फिफ्थ फ्लोर को भी पार बुक कर ले। लेकिन ऐसा कहने की जगह तुम ये कह रहे हो कि वो सेकेंड फ्लोर से लौट जाए। अब हम देखते हैं कि वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, और इस तरफ जब सीन चेंज होता है तो इस वक्त पोर्टल से थर्ड फ्लोर की तरफ वो आगे बढ़ रहा था। ये फाइट तो नहीं दिखाई जाती, लेकिन वो सेकेंड फ्लोर की वो उन फिनिक्स बर्ड को और फ्लावर्स को पहले ही रोक चुका था। अब थर्ड फ्लोर पर वो कदम रखने के बाद वो देखता है कि वो जगह पहले से बदल चुकी है, और इस वक्त उसके सामने एक अजीब सा क्रिएचर भी था। ये जो क्रिएचर है बहुत ही भड़का हुआ लग रहा था, और देखकर ही पता चल रहा था कि वो अच्छे मूड में नहीं है, और अब वो ली को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसके बाद पहले तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है, और फिर उसकी पावर की मदद से वो ली पर हमला करना स्टार्ट वो कर देता है। यहाँ पर ली जल्दबाजी में तुरंत अपने वाटर एलिमेंट को यूज करता है, और वो किसी तरह से उसके अटैक से बचता है। अब वहाँ पर धूल उड़ चुकी थी, जिसके हटाने के बाद हमें पता चलता है कि वो जो क्रिएचर है उसने अपनी स्नेक स्प्रिट को समन कर लिया है। ये बहुत पावरफुल थी और अभी यहाँ ली पर हमला भी कर रही थी, लेकिन ली अपने बचाव के लिए तुरंत अर्थ एलिमेंट्स का यूज करते हुए सामने एक शील्ड के तौर पर एक बड़ी सी दीवार वो क्रिएट कर लेता है। और अब जैसे ही उसे पता चलता है कि उसने उस अटैक को रोक लिया है, तो इसके बाद वो अपने आप ही उस दीवार को तोड़ देता है। हम देखते हैं कि वो अब अपना अगला अटैक करने के लिए तैयार था, और इसके बाद वो उस मॉन्स्टर या फिर वो भी जो चीज है वो उस चीज के पीछे की तरफ आ जाता है, और तुरंत ही वाइन की मदद से उस मॉन्स्टर जैसी चीज को पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि ली ने उसे पकड़ लिया था, और अब उसके लिए उस मॉन्स्टर जैसी चीज को हरापना बहुत आसान था, इसीलिए इसका मतलब ली लेवल और फ्लोर को पार कर चुका है, इसीलिए वो वहां से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब इसके अचानक से उसके सामने दो और मॉन्स्टर आ जाते हैं। ली को लूना की वो कही हुई बात याद आती है, उसने कहा था कि यहाँ पर हम अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। ली को पहले डाउट था कि ये फ्लोर हर किसी कल्टीवेटर के लिए अलग तरीके से काम करती है, जिसकी जैसी पावर होगी वो उस हिसाब से वो फ्लोर पर एल अगले आने वाला लेवल्स को अरेंज वो किया जाता होगा, जो कि उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक परफेक्ट आइडिया है। अब ली को अपने एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करना था, मगर ली सबसे अलग है, उसके पास सारे पांचों एलिमेंट हैं, जिस वजह से उसे अब सारे एलिमेंट्स पर फोकस करना होगा और एक एक कर सारे एलिमेंट को देखना होगा, जो कि अब यहाँ टावर में धीरे धीरे आगे बढ़ने पर और ज्यादा इवॉल्व कर रहे थे। बाहर हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर था उसने अपने आप को आजाद तो कर लिया था। यहाँ ली से फाइट करने के लिए वो तैयार था और कह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ली बहुत ही आसानी से उसे रोक लेता है, और अब उसी वक्त वो अपनी फायर पावर का इस्तेमाल वो कर रहा था। ली सोचता है कि अभी उसे कल्टीवेशन करनी चाहिए। अभी भी वहां पर वो दोनों मास्टर बचे हुए थे। अब तभी अंगूठी के अंदर से डीन की स्प्रिट भी ली की मदद कर रही थी उन दोनों से फाइट करने में,
लेकिन हम देखते हैं कि ली अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और अपने सभी अटैक्स को यूज कर रहा था और इम्प्रूव भी वो कर रहा था, लेकिन वो स्पीड उसे डांटते हुए कह रही थी कि अभी तुम्हें इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है, मेरे ख्याल से अभी तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, लेकिन तुमने बहुत कम कल्टीवेशन की, तुम और ज्यादा हार्ड कल्टीवेशन कर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। लेकिन डीन की स्पीड कह रही थी कि अभी भी टाइम नहीं गया है, तुम यहीं पर कल्टीवेशन करो। अब हम जानते हैं कि यहाँ फ्लोर पर कल्टीवेशन करने का क्या मतलब है, इससे उसकी पावर और ज्यादा 3 गुना तेजी से बढ़ जाएगी। ली अभी कल्टीवेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, लेकिन इस चीज में उसे बहुत देर लग रही थी। और अब बाहर सभी लोग कहते हैं कि ये तो एक ही फ्लोर पर रुक गया है और अब आगे ही नहीं बढ़ रहा है। सभी शॉक थे, सभी कह रहे थे कि इस मैच को हमें खत्म करना चाहिए, शायद वो वहीं पर बेहोश हो गया है, वरना वो इतनी देर तक फोर्थ फ्लोर पर थोड़ी ना रुकता। लेकिन अब जो इंस्ट्रक्टर हैं वो कहते हैं कि नहीं, अगर ऐसा होता तो ये लाइट यहाँ अपने आप बंद हो जाती। अब हमें पता चलता है कि शायद जो इंस्ट्रक्टर थे वो ये बात समझ गए थे कि शायद ली ने इस जगह का सीक्रेट का पता लगा लिया है। सीक्रेट तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ जितनी ज्यादा कल्टीवेशन की जाएगी उससे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना जा सकता है, क्योंकि पूरी कल्टीवेशन यहाँ पर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अब सभी स्टूडेंट ये कहने पर इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि ठीक है, तो हम इसे एक दिन का टाइम देते हैं, अगर एक दिन में ये नहीं निकल कर आया तो इसे हरा हुआ माना जाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ फ्लोर पर जब ली फोर्थ फ्लोर पर था तो उसने बैरियर तो क्रिएट वहाँ पे कर लिया था, जो कि बाकी मॉन्स्टर से उसे बचा रहा था और उसे कल्टीवेशन करने का टाइम दे रहा था। अब जब ली फाइनली अपनी कल्टीवेशन को एक लिमिट तक लेकर जाता है तो उसके बाद वो उस बैरियर को डिस्ट्रॉय वहाँ पे वो कर देता है, जिसके बाद उसकी एनर्जी की मदद से वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ ली अब अगले फ्लोर की तरफ आगे बढ़ता है। बाहर सभी लोग शॉक थे कि ली फिफ्थ फ्लोर पर जा रहा है, उन्होंने नहीं सोचा था कि ली इतनी देर रुककर अब और आगे जा पाएगा। यहाँ पर वो फ्लेम लॉर्ड का चमचा कहता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन जो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है वो कहते हैं कि ली चीटिंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर एक गार्ड जो कि इस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं वो हर चीज पर ध्यान देते हैं। अभी फ्लेम लॉर्ड थोड़ा सोच में वो पड़ गया था, क्योंकि ली फिफ्थ फ्लोर पर पहुंच चुका है और सिक्स पर भी पहुंच सकता है, लेकिन उसका साथी कह रहा था कि नहीं आप चिंता मत कीजिए, अभी ली की जो किस्मत है वो अच्छी थी कि वो फिफ्थ फ्लोर पर पहुंच गया, और वैसे भी उसे यहाँ पर पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, तो इस वजह से वो सिक्स फ्लोर पर वो किसी हालत में नहीं पहुंच सकता। अब हम देखते हैं कि यहाँ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर पर आने के बाद ली अपने सामने देखता है कि वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर तैयार थे उस पर हमला करने के लिए, जिनमें वो बर्ड मॉन्स्टर भी थी और साथ ही साथ वो फ्लावर में ही थे। अब ली समझ गया था कि अभी तक उसने जिन जिन चीजों से लड़ाई की वही यहाँ पर उसे फिर से फाइट करने के लिए मिली है, लेकिन इस बार उनकी संख्या ज्यादा है। लेकिन अब डीन की स्प्रिट कहती है कि हम तुम्हें इन्हें आराम से हरा सकते हैं, ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम ज्यादा सोचो मत और लड़ना चालू कर दो, क्योंकि हमें अब जल्दी जल्दी इन फ्लावर्स को पार करना है। इसके बाद ली अटैक वापस चालू वो कर देता है, और अब एक बार फिर बाहर का सीन आता है जहाँ पर ली ने फिफ्थ फ्लोर को बहुत ही स्पीड से पार कर लिया था। सभी लोग ये चीज देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे, उन्हें लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अभी वो फ्लेम लॉर्ड का साथी कह रहा था कि ये जरूर कोई ना कोई वहाँ पे चीटिंग वो कर रहा है, मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस 6th फ्लोर की लाइट बंद होती है और 7th फ्लोर की लाइट ऑन हो जाती है। इसका मतलब ली 7th फ्लोर पर पहुंच चुका था। ये चीज देखकर सभी लोग और ज्यादा शॉक हो गए थे, और इसके बाद ली उस टावर से बाहर आ जाता है। अभी वो वहाँ टावर में और आगे तक नहीं गया था। वैसे हमने सुना था कि इस फ्लोर के ऊपर के 2 फ्लोर बहुत डैमेज भी है, मगर नहीं पता कि वही आखिरी 2 फ्लोर थे या कोई दूसरे थे, क्योंकि ली तो बाहर आ चुका है। यहाँ सभी उसे देखकर शॉक थे, और जब ली फ्लेम लॉर्ड के पास आकर कहता है कि वो जीत गया है, तो इस पर फ्लेम लॉर्ड का साथी आकर कहने लगता है कि तुमने जरूर कुछ ना कुछ तो चीटिंग की है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। ली कहता है कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की, और पहले तो ली उसे बिल्कुल तुरंत सामने से हटा देता है, और वो उस चमचे की बात पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। अब फ्लेम लॉर्ड उससे बात करता है, वो कहता है कि मैं शर्त के मुताबिक 5th नहीं 6th फ्लोर को भाई पार में कर लिया और 7th पर भी मैं पहुंच गया, अब बताओ मानते हो ना कि मैं जीत गया हूँ। अब इस पर वो फ्लेम लॉर्ड कहता है कि हाँ वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम सच में जीते हो तो मैं तुम्हें वो मैजिक जो क्रिस्टल है वो दे दूंगा, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, उसके लिए मुझे टीचर की ओपन कंफर्मेशन चाहिए। इस पर ली कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है,
और अब अचानक से वहाँ पर पोर्टल ओपन होता है और वहाँ के जो मास्टर हैं वो वहाँ बाहर आ जाते हैं। वो आते ही इन लोगों को बताते हैं कि वो इस वक्त उस जगह के खास गार्ड से बात कर आए हैं। तो खास गार्ड ने उन्हें बताया है कि ये ना ही वो टावर में कोई खराबी है और ना ही ली ने किसी तरह की वहाँ पे चीटिंग वहाँ पे करी है। अब इस बात से ली और उसके दोस्त बहुत ज्यादा हैप्पी थे। यहाँ पर फ्लेम लॉर्ड बहुत ही ज्यादा शॉक था। अब ली कहता है कि लो अब तो कंफर्मेशन भी मिल गई, तो अब तो तुम्हें वो जो क्रिस्टल है वो मुझे देने ही चाहिए। इसके बाद फ्लेम लॉर्ड तुरंत एक पोटली निकालता है जिसमें 200 जो क्रिस्टल थे, और अब ली उससे वो पोटली ले लेता है। लेकिन वो पूछता है कि ये तो बस 200 है, बाकी के कहाँ पर है? तो इस पर फ्लेम लॉर्ड कहता है कि बाकी अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें दूसरी शर्त भी लगानी होगी। अब वो ये बात वो कर ही रहे थे कि इतने में ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।